हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टेक्नो। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट अ अनडिलीटेबल फोल्डर यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। मींस गाइस, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक अनडिलीटेबल फोल्डर क्रिएट करने वाले। तो बेसिकली अनडिलीटेबल फोल्डर में क्या रहता है गाइस, ये फोल्डर डिलीट नहीं हो सकता। जब हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से जो फोल्डर क्रिएट करेंगे उस फोल्डर को हम डिलीट नहीं कर सकते। उस फोल्डर का डेटा हम कॉपी कर सकते हैं, बट उस फोल्डर का जो डेटा कॉपी किया हुआ डेटा है वो हम पेस्ट नहीं कर सकते। उस फोल्डर का जो नाम रहेगा, जो हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से जब क्रिएट करते समय जो हम नाम देंगे वो नाम चेंज नहीं होने वाला। मीन्स हम उसे रीनेम भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये अमेजिंग ट्रिक होने वाली है और यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो बेसिकली एक ही ट्रिक है, मीन्स एक ही कमांड है जो हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से करने वाले। हमें क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, यहाँ पे देखो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया तो ये विंडोज सिस्टम 32 में जाएगा। ये जो फोल्डर क्रिएट होने वाला है ये विंडोज सिस्टम 32 में क्रिएट होने वाला है। तो हम विंडोज सिस्टम 32 का जो रहता जो फोल्डर रहता वो हम पहले देखेंगे ओपन करके। तो बेसिकली ये हमारा पीसी है, विंडोज सी, यहाँ पे विंडोज है और हमारा विंडोज सिस्टम 32, यहाँ पे सिस्टम 32। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है, तो बहुत सारे फोल्डर है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं, टेस्ट नाम से। यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम से फोल्डर क्रिएट किया और उसका पाथ यहाँ पे दे देता हूं। यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम को फोल्डर क्रिएट किया है गाइस और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। उस फोल्डर का हम क्या नहीं कर क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ, उस फोल्डर का हम क्रिएट करेंगे बट उस फोल्डर का डाटा सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, उस फोल्डर का डाटा हम पेस्ट नहीं कर सकते। बाद में उस फोल्डर का हम रीनेम भी नहीं कर सकते और उस फोल्डर को हम डिलीट नहीं कर सकते। ये बेसिकली थ्री थिंग्स है हमारे आज की वीडियो में बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। एज यहाँ पे MD मीन्स मेक डायरेक्टरी, मीन्स मेक फोल्डर, देन फोल्डर का नाम रखेंगे गाइस AUX फॉरवर्ड स्लैश एंटर। गाइस यहाँ पे क्या हुआ, फोल्डर क्रिएट हुआ है अभी। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली यह फोल्डर ओपन हो गया। इस फोल्डर को हम कॉपी करेंगे, देखो फिर से इस फोल्डर को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूँ। क्या रहा है, दिस इज नो लॉन्गर लोकेटेड विंडोज सिस्टम 32। विंडोज मीन्स ये जो पाथ है हमारा, वेरीफाई द आइटम्स लोकेशन टू ट्राई अगेन, ट्राई अगेन नहीं हो रहा, आइटम नॉट फाउंड। देन फिर से हम वही फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे देखो इस फोल्डर को हमने डिलीट करने का सोचा, मीन्स डिलीट करेंगे तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो बेसिकली यहाँ पे हम रीनेम भी करेंगे, तो मैं इस फोल्डर का नाम टेस्ट 2 रखू, टेस्ट 2 दे देता हूँ। ये क्या आ रहा है, नहीं हो रहा है भी। तो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो में यही अमेजिंग ट्रिक थी। बट गाइज इसको हम डिलीट करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है। जैसे मेक डायरेक्टरी रहती है वैसे ही RD रिमूव मीन्स रिमूव डायरेक्टरी, यह कमांड है। तो यहाँ पे मैंने RD AUX स्लैश एंटर किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो गाइज यहाँ पे फोल्डर रिमूव हो चुका है। तो यह थी आज की हमारे अमेजिंग ट्रिक। तो बेसिकली सबसे अच्छी ट्रिक थी ये। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज कुछ भी कमेंट हो गए तो प्लीज कुछ भी क्वेरी होगी तो पूछ लीजिए कमेंट में। तो बेसिकली एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।